हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का ज्योग्राफी मैं बीच में बंद कर दिया था, तो कल से फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं दोस्तों। क्योंकि देखिए पीसीएस में 1000 सीटें हैं, मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग, और पीसीएस के लिए अब समय बहुत कम है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग एकदम जुड़ जाइए। तो देखिए तीन सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ये तीन सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखेंगे, और फिर मैं करेंट का भी वीडियो बना रहा हूँ, ये चार वीडियो देख लेंगे तो प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको अन्य जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 129। तो देखिए नदियों का अपवाह तंत्र हम लोग का चल रहा था, तो देख लीजिए इसमें हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, उसकी व्याख्या कराएंगे, और आप नोट्स हमेशा बनाते जाइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसमें नदियां दिया हैं, इसकी भी सहायक नदियां दिया हैं, तो ठीक है। इसमें दिया है कि कृष्णा, मंजरा, पेनगंगा है दोस्तों, गोदावरी, अमरावती, हेमवती दिया है, कावेरी दिया है, मूसी, भीमा, ठीक है। तो ना तो ये, अब देखिए इस पर ऑप्शन क्या दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, ठीक है। अब इसकी देखिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए गोदावरी बेसिन, गोदावरी नदी कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे देखिए पूर्णा, पूर्णा क्या है, गोदावरी की है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, बेनगंगा है और पेनगंगा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदियां क्या है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसको नोट करके आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस बुक से, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन इस बार आयोग बनाएगा। क्योंकि आयोग में देख रहे थे पेपर, जब से समीक्षा अधिकारी का पेपर आप लोगों ने देखा है, तो पीसीएस का भी पेपर इसी तरह से बनाएगा। इसके बाद देखिए कावेरी बेसिन क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदियां क्या है, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए अगला, देख लीजिए 130 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए किसी भी काल में सक्रिय नदियों या धाराओं के अवशेषों को पैलियो चैनल के रूप में वर्णित किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए पैलियो चैनल भूजल के नए स्रोतों की खोज में सहायक हो सकते हैं, तो एक और दो दोनों सही। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र को कवर करते हुए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान प्रयागराज में एक पुरानी सूखी चुकी नदी की खुदाई है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, पैलियो चैनल, किसी भी काल में सक्रिय रहे नदियों या धाराओं के अवशेष को पैलियो चैनल के रूप में वर्णित किया जाता है, कुछ प्रवाह नए तलछट के आवरण के नीचे दबे हुए हैं। इसके बाद देखिए बेमेल नदियों और धाराओं के हिस्से हैं जो नदियों के पुराने प्रवाह मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये अपने पुराने प्रवाह मार्ग को बदलते हुए नए मार्ग में प्रवाहित होने लगती हैं। अगला देखिए, पैलियो चैनल आमतौर पर जरूर परिदृश्य या भू आकृतियाँ होती हैं, तथा मीठे पानी के संसाधनों की खोज कृत्रिम पुनर्भरण और भूजल के भंडारण के लिए उपयोग में होने के कारण इसका आर्थिक महत्व है। इसके बाद देख लीजिए, इसके अतिरिक्त वी स्थान तथा खनिज भंडार जैसे कि यूरेनिफेरस, अयस्को, सोना, चांदी और अन्य खनिजों के आकलन हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में पैलियो चैनल के पाए जाने की सूचना मिली है, इनमें गंगा के मैदानों के साथ साथ मध्य और प्रायद्वीपी भारत भी आच्छादित है। इसके बाद देख लीजिए, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है दोस्तों, तो देखिए लूनी है, बनास है, साबरमती है, और देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मैप में भी देख लीजिएगा उत्तर से दक्षिण, और मैं आपको लेके बैठिएगा। तो देखिए पहले लूनी है, इसके बाद बनास है, इसके बाद साबरमती है, महानदी। देखिए ज्योग्राफी में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ज्योग्राफी को पढ़ते समय आप लोग क्या करिएगा कि एटलस को लेके बैठिएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दिखा दिया है, मानचित्र में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ लूनी है, देखिए बनास है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो कावेरी नदी, किससे, कावेरी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कावेरी नदी अपने उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने के क्रम में तीन बार दो शाखाओं में बंटकर इन द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम कर्नाटक में तथा श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है।
इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इंद्रावती दिया है, धनसरी दिया, दुधना दिया, कामेक दिया, इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पूछ रहा है। तो देखिए इंद्रावती तो नहीं है दोस्तों, दुधना भी नहीं है, तो धनसरी है और कामेक है, तो दो और चार है दोस्तों। क्या है? दो और चार, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों कि मेरे पास थोड़ा संसाधन कम है दोस्तों, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी आप लोगों की तरह कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र दिया, गोदावरी नदी दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का उत्पत्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील, तिब्बत के पास कैलाश रे। इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए दोस्तों, बाएँ किनारे पर सहायक नदियाँ हैं दिबांग, लोही और बुरही, दिहांग और धनसरी, केलांग। दाएं तट पर सहायक नदियाँ क्या है दोस्तों? सुबनसिरी, कामेक, मानस, संकोश। इसके बाद देखिए संधि स्थल क्या है? बांग्लादेश में इसका नाम जमुना, किसका? ब्रह्मपुत्र का नाम। तथा यह पद्मा मिल जाती है तो आगे मेघना से भी मिलती है, मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद देखिए इसकी अन्य विशेषताएं देख लीजिए, धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी इसके तट पर मिलती है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आपका गोदावरी क्या है? गोदावरी पश्चिमी घाट पर स्थित त्रांबिकेश्वर नामक स्थान पे, नासिक जिला, महाराष्ट्र। तो देखिए इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्ण दुधना, मंजरा, प्रवर, इसमें देखिए संधि स्थल क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अमरकंटक अन्नपूर्ण मध्य प्रदेश में एक तीर्थ स्थल है। अमरकंटक क्षेत्र एक अनोखा प्राकृतिक विरासत वाला क्षेत्र है। यह विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलान बिंदु पर है, जो कि मैकाल पहाड़ी की आधार है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अमरकंटक औषधि गुड़ों वाली विभिन्न वनस्पतियों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र घने वन से घिरी पहाड़ी इलाके कान्हा और अचान कमार गलियारे में पड़ता है। कान्हा और अचान कमार दोनों ही बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध संरक्षित रिजर्व है। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की सूची के आधार पर जयमंडल रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल जयमंडल रिजर्व में से एक है। भारत की अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए हिमालय नदियाँ सदाबहार है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदाबहार नहीं हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देख लीजिए कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, गलत है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। इसके बाद देखिए लूनी, मुच्छुता, घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है, ये सही है। तो सी सही है, एक और तीन। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भारत की नदियाँ प्राणियों की चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालय नदियाँ, दक्कन की नदियाँ, तटीय नदियाँ, अंतर्देशीय अपवाह तंत्र की नदियाँ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हिमालय नदियों में पानी बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से आता है और इसलिए इनमें पूरे वर्ष निरंतर प्रवाह होता है। मानसून के महीनों के दौरान हिमालय में बहुत अधिक वर्षा होती है और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे लगातार बाढ़ आती है। इसलिए हिमालय नदियां सदा नीरा है। दूसरी ओर दक्कन की नदियों में वर्षा का पानी आता है, इसलिए इसकी मात्रा में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसमें कई नदियाँ सदा नीरा नहीं है। इसके बाद देख लीजिए 808,334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ गंगा का बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है और दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का बेसिन दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है। इसके बाद देख लीजिए अंतर्देशीय अपवाह तंत्र की नदियां किसी महासागर समुद्र तक नहीं पहुँचती है, लेकिन किसी झील या अंतर्देशीय समुद्र में जाकर मिल जाती है। लूनी, मुच्छू, रूपेन, सरस्वती, घग्गर और अन्य अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। अगला देख लीजिए, महान भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसके बाद देखिए छत्रक शिला मरुस्थली भूमि का एक विशेषता है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः नदियां अल्पकालिक होती है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए प्लाया नामक प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों क्या सही है, एक दो तीन सही है। इसमें क्या है, एक दो तीन। तो देख लीजिए दोस्तों भारतीय मरुस्थल, यद्यपि इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान संरचना में प्रायद्वीपीय पत्थर का विस्तार है, तथापि अत्यंतिक शुष्क दशाओं के कारण इनकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपचय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख अस्थाकृतियां स्थानांतरी रेतीले टीले छत्रक शिलाएं और मरु उद्यान है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं।
मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि की और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल की कमी रहती है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूर तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। अतः अंतस्थली अपवाह का उदाहरण है, जहां नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। इसके बाद देखिए, हिमालय में समांतर श्रेणियों की श्रृंखला पाई जाती है और निम्नलिखित क्षेत्रों को उनसे संबंधित हिमालय श्रृंखला की अभिविन्यास के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा, फिर सॉरी जम्मू कश्मीर का पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। दार्जिलिंग का सिक्किम का क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग का हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अरुणाचल का देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर पूर्व। इसके बाद देखिए नागालैंड का क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो इसमें क्या सही है, ई डी सही है। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वोत्तर पहाड़ी से मिलकर बनते हैं। हिमालय में समांतर पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला होती है। बृहत हिमालय की पर्वत श्रेणियों में शामिल कुछ महत्वपूर्ण श्रेणी में महान हिमालय, ट्रांस हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय और शिवालिक शामिल हैं। इन श्रेणियों का सामान्य अभिविन्यास भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। दार्जिलिंग और सिक्किम के हिस्सों में हिमालय का अभिविन्यास पूर्व पश्चिम दिशा में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा तक है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यह उत्तर दक्षिण दिशा में है। अगला देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है दोस्तों, तो ताम्रपाणी क्या है दोस्तों, ताम्रपाणी। तो देख लीजिए यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है, ये नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं तथा डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पांबा, पेरियार, भरतपुजा आदि नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ देख लीजिए दोस्तों, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल निकास करती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। इनका जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताम्रपाणी, वैगई, स्वर्णरेखा आदि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है दोस्तों, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले विद्यमान थी, तो बी सही है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होती हैं। इनका अपवाह तेज धाराओं से विकसित होता है। इन नदियों की अपवाह प्रणालियों में स्थलखंड संरचना के उत्थान का प्रवाह नहीं पड़ता, बल्कि स्थलखंड को काटकर अपने पूर्ववर्ती भाग पर ही प्रवाहित होती है। भारत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। ये नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान थी। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों आप लोगों, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है और मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए काली नदी, क्या है दोस्तों, काली नदी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय की मिलाम हिमनद से हुआ है। उत्तराखंड में इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सरमा, लिसार, पूर्वी गंगा और ईस्ट नदी पर शारदा बांध बना हुआ है। ईस्ट नदी का मुहाना बरहाम घाट के निकट घाघरा नदी में है। यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इसके बाद देखिए पंगांग तोसु झील, जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती स्थित है, तो लद्दाख। अब इसके बाद देख लीजिए इसकी व्याख्या दोस्तों कि पंगांग सा झील हिमालय की एक बंद झील है। यह लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील की लंबाई का लगभग 60% हिस्सा चीन में स्थित है। पेंगोंग सो भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्र स्थित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा झील से होकर गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में झील का एक हिस्सा चीन के नियंत्रण में है, जिस पर भारत द्वारा दावा किया जाता है कि झील का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पेंगोंग सो तथा कथित जानसान लाइन के दक्षिण छोर पर थी, जो अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमांकन का एक शुरुआती प्रयास था। वर्तमान में यह झील लद्दाख में है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।